एक जंगल में बाघिन अपने दो बच्चों को जन्म देती है। बाघिन के दोनों ही बच्चे बहुत सुंदर थे। बाघिन अपने दोनों ही बच्चों का बड़े अच्छे से ख्याल करने लगती है। उधर शेर को भी यह बात पता चलती है कि बाघिन ने दो बच्चों को जन्म दिया है, तो शेर भी बाघिन से मिलने चला आता है। अरे बाघिन, बधाई हो, तुम्हारे दोनों ही बच्चे बड़े सुंदर है, भगवान इनकी लंबी उम्र करे। बहुत शुक्रिया शेर, बहुत शुक्रिया। आज हम दोनों काफी दिन बाद मिले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम सब आज भोजन भी एक ही साथ करें। हाँ हाँ शेर, क्यों नहीं, जरूर। सुनो बेटा, तुम दोनों आराम से घर पर रहना, हम दोनों भोजन लेकर आते हैं। इतना बोलकर शेर और बाघिन भोजन की तलाश में चले जाते हैं। अब काफी समय बीत गया था। शेर बाघिन के बच्चों की तरफ अकेला आ रहा था। यह देखकर दोनों बच्चे शेर से बोलते हैं। शेर अंकल, हमारी माँ कहाँ गई? वो वापस क्यों नहीं आई? तब शेर दुखी मन से कहता है। मुझे माफ करना बच्चों, मैं तुम्हारी माँ को उन शिकारियों से नहीं बचा सका। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाघिन को मारकर अपने साथ ले गए। मुझे माफ करना। यह सुनकर दोनों बच्चे बहुत रोने लगते हैं। हमारी माँ हमें अकेला छोड़कर चली गई, हम अपनी माँ के बिना कैसे रहेंगे? अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? बेटा, कभी तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे आकर बता देना, ठीक है? इतना बोलकर शेर चला जाता है। वहीं किसी दूसरे जंगल की एक मादा सुअर चलते चलते इस जंगल में पहुंच जाती है। बाघिन के बच्चों को रोता देख मादा सुअर उनके पास जाकर बोलती है। क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है? हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई है, अब हम बिल्कुल अकेले हैं। अब हम किसके साथ रहेंगे? दोनों को रोता देख मादा सुअर को उन पर बहुत रहम आता है। वह उनसे बोलती है, रो मत बेटा, आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल, मैं कभी तुम्हें तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तब से मादा सुअर ही दोनों बच्चों का बड़े अच्छे से ख्याल रखने लगती है और समय पर उन्हें भोजन ला कर देती थी। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए थे। एक बार मादा सुअर दोनों बच्चों को जंगल की सैर करा रही थी, तभी उसे एक गड्ढे में से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तुम दोनों रुको यहीं पर, मैं अभी जाकर देखती हूँ। मादा सुअर गड्ढे में देखती है तो वहाँ पर बाघिन थी। तब मादा सुअर रस्सी डालकर बाघिन को बाहर निकाल लेती है। अपने बच्चे को खड़े देख वो भागते हुए दोनों के पास जाकर उन्हें अपने गले से लगा लेती है। मेरे बच्चों, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, देखो मैं अब वापस आ गई हूँ बच्चों। माँ, तुम कहाँ चली गई थी माँ? बेटा, जब हम दोनों शिकार करने जा रहे थे तो मैं इस गड्ढे के पास ही खड़ी थी कि तभी शेर ने मुझे पीछे से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। बागीन, तुम कभी जंगल पर राज नहीं कर सकती, अब मैं करूँगा जंगल पर राज और तुम्हारे बच्चे भी अकेले तड़प तड़प कर मर जाएंगे। उसने यह सब जंगल पर राज करने के लिए किया था, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं। माँ माँ, इनसे मिलो, इन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और हमें बिल्कुल परेशानी नहीं आने दी। माँ, ये बहुत अच्छी है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सुअर, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। कोई बात नहीं बहन, ये तो मेरा फर्ज था। तब वो शेर के पास पहुंचते हैं। उनको आते देख शेर के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये अब तक जिंदा कैसे, और इसे किसने बचाया है? मुझे देखकर बहुत परेशान हो गए हो ना शेर, अब तुम्हारी खैर नहीं है। तब बाघिन एक ही खतरनाक वार में उसे जान से मार डालती है और इस धोखे बाद शेर का वहीं पर अंत कर देती है।
फिर से वो सभी जंगल में मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। एक जंगल में रहती थी एक शेरनी। उसके दो बेटे थे, सोनू और मोनू। शेरनी अपने बेटों से बड़ा प्रेम करती थी। एक बार शेरनी अपने बेटों से कहती है, सुनो बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ, तुम आराम से घर पर ही रहना, ठीक है? ठीक है माँ, लेकिन प्लीज तुम जल्दी आ जाना। फिर शेरनी भोजन की तलाश में निकल जाती है। रास्ते में उसे कुछ शिकारी घेर लेते हैं और उसे मार कर पिंजरे में डाल देते हैं। दूर खड़ी शेरनी की दोस्त यह सब देख रही होती है। अरे, इन शिकारियों ने तो मेरी दोस्त को मार डाला, अब इसके बच्चों का क्या होगा? तब गायें शेरनी के बच्चों के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, सोनू बेटा, मोनू बेटा, एक बहुत ही बुरी खबर है, लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराना। कैसी खबर है, बताओ हमें। बेटा, खबर ये है कि तुम्हारी माँ को कुछ शिकारियों ने मार डाला, उसे अपने साथ ले गए वो। यह तुम क्या बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा, आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह पालूंगी। कुछ दिनों तक सोनू मोनू बहुत उदास रहते थे। तब गायें उनका मन लगाने के लिए उन्हें जंगल में घुमाने के लिए ले जाती हैं। वो दोनों जंगल में घूमकर बहुत खुश हो जाते हैं और हंस खेल कर शाम को अपने घर वापस लौट आते हैं। कुछ साल ऐसे ही बीत गए थे। अब सोनू और मोनू तो बड़े हो गए थे, लेकिन बेचारी गाय अब बूढ़ी हो चली थी। सोनू और मोनू गाय को ही अब अपनी माँ मानने लगे थे और अब सोनू मोनू ही गाय के लिए भोजन लेकर आते थे। एक बार गाय अपने दोनों बेटों सोनू और मोनू के लिए भोजन लेने के लिए जाती है। रास्ते में गाय को एक चीता मिलता है और चीता गाय से ऐसा बोलता है, क्यों रे गाय, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मैं तो भोजन लेने जा रही हूँ, कृपया करके मुझे कोई नुकसान मत पहुँचाना। अरे, आए हुए शिकार को कौन छोड़ता है, आज तो मैंने शिकार कर लिया है, तुम्हें कल के लिए बचा लेता हूँ। फिर चीता गाय को पकड़कर अगले दिन के लिए रख लेता है। उधर सोनू और मोनू जंगल में जाकर देखते हैं तो वहाँ उनकी माँ नहीं थी। तब सोनू बोलता है, अरे मोनू भाई, हमारी माँ कहाँ गई? तुम चिंता मत करो, माँ आ जाएगी। नहीं भाई, हम पहले की तरह अब घर नहीं बैठ सकते। गाय के पैर के निशान देखते देखते वो चीता के पास ही पहुँच जाते हैं और गाय को चीता के कब्जे में देख मोनू चीता से ऐसा बोलता है, चीता अंकल, हमारी माँ को छोड़ दो। क्या माँ? क्या ये गाय तुम्हारी माँ है? चीता अंकल, हमारे बचपन में ही हमारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। गाय माँ ने हमें पाला है और माँ जैसा प्यार दिया। अब गाय माँ के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, कृपया करके हमारी गाय माँ को छोड़ दो। यह दुख भरी बात सुनकर चीते की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ को छोड़ देता हूँ, तुम अपनी माँ को ले जाओ और अगर कभी भी तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद से वो सभी एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।